हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल की वीडियो में हमने अपना सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है उससे अच्छे से फिनिश भी कर लिया है, एंड उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज थे उन्हें आप सब ने काफ़ी अच्छे से सॉल्व भी किया है, एंड ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे करेक्ट थे। बट फिर भी इस वीडियो के एंड में आपको उस एमसीक्यू के जो भी सोल्यूशंस है वो मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन वगैरह मिल जाएगा, सो दैट अगर किसी को डाउट होगा तो उसके थ्रू समझ सकता है। ओके, तो आज की वीडियो में हम न्यू चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमारी कह सकते हैं जुडिशरी जो है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास जो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो इतनी ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है कि वो एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो ऑर्डर्स लाए जाते हैं या फिर लेजिस्लेशन के द्वारा जो भी लॉ लाए जाते हैं, उन लॉ और ऑर्डर को चेक एंड बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जुडिशरी में। ठीक है, तो अगर ये पावर अगर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ। तो अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, तो यहाँ पे बताया गया है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेट हुई थी एंड डेवलप हुई थी इन द USA में, यानी सबसे पहले ये जो डॉक्ट्रिन है कहाँ पे डेवलप हुई, अमेरिका में। इट वॉज प्रोपाउंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फेमस केस ऑफ मार्बरी वर्सेज मेडिसिन 1803 बाय द जॉन मार्शल। ठीक है, तो यानी एक दो पर्सन है उनके बीच में ये केस हुआ था। अब ये जो दो पर्सन है कौन है वो भी हम देखेंगे, पर जो जॉन मार्शल है उस समय के चीफ जस्टिस है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की, तो उनके सामने जब ये केस आया तब अपनी जजमेंट के थ्रू उन्होंने बेसिकली इस डॉक्ट्रिन को ओरिजिनेट किया। ठीक है, अब इसके पीछे का स्टोरी क्या था वो कहीं ना कहीं हम समझ लेते हैं, ऑल्दो एग्ज़ाम के लिए इतना यूज़फुल नहीं है बट नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि एक्चुअल में ये डॉक्ट्रिन जो निकल के आई है तो इस पर्टिकुलर के केस में ऐसा क्या हुआ कि जो उस समय जो चीफ जस्टिस थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की, उनको ये डॉक्ट्रिन लेके आनी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझने की इसे कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है 1800 का टाइम पीरियड। ये 1800 का जो टाइम पीरियड है वो अमेरिकन हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि दो पार्टीज़ थी। ठीक है, यानी 1800 से पहले जो पार्टी रूल कर रही थी वो बेसिकली फेडरलिस्ट पार्टी थी। ठीक है, और इसके बाद इलेक्शन के बाद जो जीत के जो न्यू पार्टी आई थी वो एंटी फेडरलिस्ट पार्टी थी। ठीक है, अब फेडरलिस्ट पार्टी की बात करें तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो आपके थे जॉन एडम, और जो न्यू प्रेसिडेंट जो चुन के आए थे इस इलेक्शन के बाद वो थे आपके थॉमस जेफरसन। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने को मिला था इस 1800 के टाइम पे कि जब बेसिकली न्यू प्रेसिडेंट चुन के आए थे तो वो जो पावर का ट्रांसफ़र किया गया वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल तरीके से किया गया था। ठीक है, इससे पहले ऐसा कुछ देखा नहीं गया। अब मेन चीज़ ये निकल के आती है कि अगर उस समय जो जॉन एडम थे, ठीक है, जब वो प्रेसिडेंट थे, जब मतलब इलेक्शन से पहले जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्हें जैसे ही उन्हें उनका जो टेन्योर था वो ख़त्म होने को आ रहा था, तो उस टाइम पे देखा ये गया कि लास्ट के कुछ दिनों में उन्होंने कुछ कुछ कह सकते हैं कमीशंस को बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जुडिशरी के अंदर, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जजेस की अपॉइंटमेंट जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो इसमें देखा ये गया कि एक पर्सन जो थे जिनका नाम था विलियम मार्बरी, इनको भी कमीशन जो है बेसिकली मिलने वाली थी, किसका, जस्टिस ऑफ पीस का ये कमीशन उनको मिलने वाला था। तो ऐसे ही काफ़ी सारे जजेस थे जिनको कमीशन अलॉट हुआ। तो हुआ ये, तो मतलब बेसिकली ये देखा गया कि अपॉइंटमेंट तो सारे इन जजेस की कौन करके जा रहे थे, जॉन एडम, पर जैसे ही जॉन एडम का टेन्योर जैसे ही ख़त्म हुआ और न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए, तो न्यू प्रेसिडेंट ने बेसिकली अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो कि कौन थे उस समय, जेम्स मेडिसन। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी हो रही होगी कि मार्बरी वर्सेस जो मेडिसन है किस तरीके से इनके बीच में रिलेशन था। ठीक है, तो उस समय जो न्यू प्रेसिडेंट थे थॉमस जेफरसन, उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो कि जेम्स मेडिसन थे, बेसिकली उन्होंने ऑर्डर दिया उनको कि जो कमीशन है जो मार्बरी को मिलने वाला है, इस कमीशन को रोक दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो मार्बरी को जब पता चला कि उनका जो कमीशन है रोक दिया गया है, तो उसके बिहाफ में उन्होंने क्या करा,
जो अमेरिकन की अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे बेसिकली केस कर दिया मेडिसिन के अगेंस्ट में कि भाई इन्होंने ये जो मेरा राइट था जो कि मुझे कमीशन मिलना चाहिए था, बिकॉज़ क्यों, बिकॉज़ जॉन एडम जो थे उनको अपॉइंट करके गए थे और देखा ही गया था कि सेनेट से उनका कमीशन पास हो गया था विलियम मैडबरी का, बट क्योंकि जब फाइनली उन पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट में जो भी था सिग्नेचर वगैरह करना था जो न्यू प्रेसिडेंट का, तो वो कहीं ना कहीं जब होने की बारी आई तो जेम्स मेडिसन ने उस चीज़ को कमीशन को रोक दिया। तो इससे पहले जो भी जजेस थे उनका तो अच्छे से हो गया था कमीशन, उनको तो अपनी अपनी कमीशंस मिल गई थी, बट इन ये कैसे एक लौते थे जो बच गया था जिनका जिनको अभी तक अपना कमीशन अलॉट नहीं हुआ था। तो क्योंकि जब इन्हें पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है तो डायरेक्टली अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में चले गए और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में जो वहाँ के जो जज थे जॉन मार्शल, ठीक है, उनके पास जब एक केस आया तब उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर केस को अच्छे से स्टडी किया, ठीक है। और जॉन मार्शल की अगर हम बात करें तो वो भी फेडरलिस्ट पार्टी से ही बिलोंग करते थे, मतलब उन्हीं की पार्टी के से मतलब थे वो। एंड क्योंकि अब जो न्यू प्रेसिडेंट चुन के आया है वो एंटी फेडरलिस्ट पार्टी का है, तो वो नहीं चाहते थे कि उनके और न्यू प्रेसिडेंट के बीच में कुछ इस तरीके से हो। तो उन्होंने बेसिकली ये देखा कि जो विलियम मैडबरी है उन्होंने बेसिकली जो चीफ जस्टिस थे जॉन मार्शल उनको, चीफ जस्टिस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको बेसिकली रिट ऑफ मैंडमस इशू करने के लिए कहा गया कि आप जो है मेडिसिन के अगेंस्ट, जो मेडिसिन है आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो है रिट ऑफ मैंडमस इशू कर दो। अब रिट ऑफ मैंडमस का मतलब ये होता है कि जो CJI मतलब जो चीफ जस्टिस है अमेरिकन कोर्ट के, वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव को यानी जो आपका जो मेडिसिन है उनको बेसिकली आदेश दे कि आप अपना जो आपके पास जो भी काम आया है यानी जो कमीशन का जो काम है आपको उसको अप्रूव करना है, उसको फाइनली अप्रूव कर दीजिए। तो ये इस तरह का मैंडमस इशू करने के लिए मार्लबरी ने जॉन मार्शल को कहा। अब मेन चीज़ ये निकल के आती है कि क्या जॉन मार्शल जो कि चीफ जस्टिस है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के, क्या उनके पास ये राइट था कि वो इस तरह का मैंडमस रिट इशू कर दें? तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपनी एक बेंच बिठाई और वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस करी सबसे पहले कि जो हमारे जो मैडबरी हैं क्या उनके पास ये राइट है कि उनको कमीशन मिलना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया। सेकेंड, अगर उनके पास राइट है तो सभी ने कहा यस, मतलब जो मेन प्रेसिडेंट है उनसे पूछा गया कि राइट है, तो प्रेसिडेंट ने कहा हाँ उनका तो हक बनता है। अगर राइट है और राइट का अगर ब्रीच हो रहा है यहाँ पे तो उनको रेमेडी मिलनी चाहिए इसके अगेंस्ट, तो यस इस चीज़ के लिए पे भी हाँ पी भरी गई। बट थर्ड क्वेश्चन जब उन्होंने ये पूछा कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ये ज्यूरिसडिक्शन है कि वो इस पर्टिकुलर कि हमारे जो मतलब अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आर्टिकल नंबर 3 है वो कहीं ना कहीं ज्यूरिसडिक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करती है। तो अगर हम आर्टिकल 3 की बात करें तो इस आर्टिकल 3 को यूज़ करके क्या वो इस पर्टिकुलर केस को बेसिकली सुन सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे पावर नहीं मिलती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस समय जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने बेसिकली आर्टिकल नंबर 3 को यूज़ करके कहा गया कि जो जुडिशरी है वो पर्टिकुलरली इस केस को सुन नहीं सकती है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस केस को सुनने की पावर नहीं दी गई है, ठीक है, अमेरिकन की सुप्रीम कोर्ट को। तो यानी ये पर्टिकुलर केस जो है सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में नहीं आता है। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में नहीं आता है तो उस समय जो विलियम मैडबरी है तो उन्होंने किस बिहाफ पे जो है मेडिसिन पे केस किया होगा, ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है। तो उस समय हम कह सकते हैं जो विलियम मैडबरी है उन्होंने जो एक्ट यूज़ किया था वो है 1789 का जुडिशरी एक्ट, ठीक है। तो 1789 का जुडिशरी एक्ट बेसिकली क्या कहता है, इस एक्ट में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो था अमेरिका को उसको पावर दी गई कि आप जुडिशरी से रिलेटेड जो भी इस तरह के केस आएंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के उनको उन केसेस को आप हैंडल कर सकते हो, सुन सकते हो, वो आपके डोमेन में आते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि जो 1789 का जो जुडिशरी एक्ट है वो उस समय की जो कांग्रेस थी, कांग्रेस तो आप जानते हो जिसमें आपका अपर हाउस आता है सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इन दोनों के द्वारा ये जो पर्टिकुलर एक्ट था पास किया गया था। बट हम यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि अगर ये जुडिशरी एक्ट के तहत जो है मैडबरी ने केस किया हुआ है तो जॉन मार्शल ने बेसिकली कहा कि मुझे ये जो जुडिशरी एक्ट है 1789 का इसको रिव्यू करने की पावर मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर जब उन्होंने इसको रिव्यू करने की बात करी तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उन्होंने यहाँ पे कह सकते वीटो
लगाई और बेसिकली कहा कि ये जो एक्ट लाया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो एक्ट लाया गया है वो कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अगेन अमेरिका में भी देखने को मिलेगा, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, और क्योंकि वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है तो वो एक्ट जो है बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज एक टाइम पे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अंडर आर्टिकल 13 और एक तरफ इस एक्ट की बात करें, तो दोनों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन रखता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आर्टिकल 3 के तहत कह रहे जुडिशरी की पावर नहीं है और वहीं आप एक एक्ट लेके कहते हो कि ये पावर जुडिशरी है, तो कहीं ना कहीं जो जो कह सकते हैं जो सुप्रीमेसी है वो किसकी रहने वाली है, कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं, इस पर्टिकुलर केस के थ्रू फाइनली जो है ये जो 1789 का जुडिशरी एक्ट है उसको बेसिकली वॉयलेट कर दिया गया, कि ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल मैंडेट है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर जजमेंट के थ्रू जो आपका मेलबरी था वो भले ही उस केस को हार गया था, बट कोर्ट के यहाँ पे जीत हुई। क्यों जीत हुई? क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन निकल के आई वो थी जुडिशियल रिव्यू। बिकॉज इससे पहले जो है बेसिकली हम कह सकते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर नहीं थी इस तरह से रिव्यू करने की उन पर्टिकुलर ऑर्डर को जो एग्जीक्यूटिव लेके आते हैं या फिर लेजिस्लेटिव के द्वारा जो एक्ट बनाए जाते हैं। बट अब इस जुडिशियल रिव्यू के तहत एग्जीक्यूटिव यानी जो प्रेसिडेंट है अगर कोई ऑर्डर लेके आते हैं उनको रिव्यू करना है, या फिर लेजिस्लेटिव के द्वारा कोई भी लॉ लेके आया जाता है उनको रिव्यू करने की पावर जो थी मिल गई थी, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट में स्टोरी थी, ठीक है। आई होप आपका जो भी क्लैरिटी है इस पर्टिकुलर केस की वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चीज़ डिस्कस कर ली, अब हम इंडिया की बात करते हैं। इन इंडिया ऑन द अदर हैंड द कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ कन्फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द जुडिशरी बोथ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, ठीक है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं ना कहीं बात करता है जुडिशियल रिव्यू की, दोनों ही, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है उसकी और हाई कोर्ट की भी, ठीक है। फर्दर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू तो है ही बट साथ ही साथ हमारी जुडिशरी ने उसको बेसिक फीचर मान दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी दिस इज़ अ एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हैंस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी कर्टेल्ड और एक्सक्लूडेड इवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कल को जो आपकी पार्लियामेंट है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो मेन पावर है वो आपकी पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। तो कल को अगर पार्लियामेंट जुडिशियल रिव्यू को ही कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश करेगी या फिर एक्सक्लूड करने की कोशिश करेगी हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से, तो वो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। क्यों? बिकॉज हमारी जुडिशरी ने जो पावर है जुडिशियल रिव्यू को उसको बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया है, ठीक है, बेसिक फीचर मान लिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है तो पार्लियामेंट उसको चाहते हुए भी उसको बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से हटा नहीं सकती है, ठीक है। अगर वो ऐसा करेगी तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन मान के नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जुडिशरी के अंदर हम कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर आज भी बनी हुई है, और आज भी देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट कोई भी अगर लॉ लेके आए, एग्जीक्यूटिव कोई भी ऑर्डर लेके आता है, वो कहीं ना कहीं अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बेसिक फीचर है उनको वॉयलेट करने की कोशिश करता है तो उन पर्टिकुलर लॉ को, उन पर्टिकुलर ऑर्डर को वो अनकॉन्स्टिट्यूशन करके नल एंड वॉइड कर सकते हैं, ओके। देन हम मीनिंग देखते हैं जुडिशियल रिव्यू की। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ द जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया जाता है या फिर लेजिस्लेटिव के द्वारा जो भी लॉ लाके आया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली कितना वैलिड है और कितना नहीं, वो चेक करने का काम जो है बेसिकली जुडिशरी के पास है अंडर दिस पावर। ऑन एग्जामिनेशन इफ दे आर फाउंड टू बी वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो जुडिशरी को लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है अल्ट्रावायर्स, दे कैन बी डिक्लेयर एज इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशन इनवैलिड नल एंड वॉइड कर देगी बाय द जुडिशरी। कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट, और एक बार अगर पर्टिकुलर लॉ को पर्टिकुलर ऑर्डर नल एंड वॉइड हो जाता है तो फिर हमारी गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी हैज़ क्लासीफाइड जुडिशियल रिव्यू इन टू द 3 कैटेगरीज में उन्होंने क्लासीफाई किया है। तो ये जो चीज़ें कही हैं जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन 2001 की बात की जा रही है, तो इन्होंने 3 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया। पहला जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कि यानी कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में, किसी भी एक्ट में अगर आप अमेंडमेंट करते हो तो वहाँ पर बेसिकली जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा।
Second, the judicial review of legislation of the parliament and the state legislature and the subordinate legislations. ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ बनाया जाता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी लॉ बनाया जाता है. सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब है कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट जो है किसी और अथॉरिटी को एक ऑर्डर देके जो है उनको बोलती है कि किस तरीके से आपको जो है लॉ बनाना है. मतलब पार्लियामेंट और स्टेट के अलावा किसी और अथॉरिटी को अगर पावर मिलती है कि आप बेसिकली लॉ बना सकते हो तो उसको सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन का नाम दिया जाता है. तो इन तीनों के द्वारा जो भी लॉ बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कितना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है वो भी चेक करने का काम इसके अंडर आता है जुडिशियल रिव्यू के अंदर. तीसरा बोला गया जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ द यूनियन स्टेट एंड अथॉरिटीज अंडर द स्टेट. यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम चल रहा है आज की डेट में, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से करने के लिए जो भी ऑर्डर्स निकाले जाते हैं, जो भी बायलॉज निकाले जाते हैं, ठीक है, तो उन सबको भी रिव्यू किया जा सकता है अंडर द जुडिशियल रिव्यू. तो ये तीन कैटेगरी बेसिकली डिवाइड कर दी थी जुडिशियल रिव्यू की बाय दी जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी के द्वारा. देन यहाँ पे बोला गया था सुप्रीम कोर्ट यूज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन वेरियस केसेस. तो वो केसेस कौन कौन से थे, तो जैसा कि आप जान सकते हो गोलकनाथ केस 1967 में जो आया था उसमें देखने को मिला था. देन बैंक नेशनलाइजेशन केस 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर को यूज़ किया है. इसके अलावा प्राइवेट पर्स एबॉलिशन केस 1971 में, देन केशवानंद भारती केस 1973 एंड मिनर्वा मिल केस 1918 सो ऑन. इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कह सकते हैं जुडिशियल जो हमारी जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट है जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज़ करती है. इन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया बोथ द 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 जो किया जो बेसिकली पार्लियामेंट लेके आई थी एंड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट एंड JAC एक्ट जो कि 2014 में आया था. इन दोनों को ही मतलब इस पर्टिकुलर एक्ट को इस पर्टिकुलर कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नल एंड वॉइड कर दिया गया था 2015 में. तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी जब हम सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर पढ़ रहे थे रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस तो वहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी. देन हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू की. तो जुडिशियल रिव्यू इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजन. तीन रीजन के लिए हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है. पहला, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑब्वियसली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है तो वो सुप्रीम हमेशा ही बना रहे, उसमें कुछ अमेंडमेंट करके उस पर्टिकुलर कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन डिग्निटी है वो ख़त्म ना हो जाए, उसके पीछे का जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है वो ख़त्म ना हो जाए, उसके लिए हम कह सकते हैं हमारे जुडिशियल के पास पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू के तहत वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है उसको हमेशा बनाए रख सकती है. यानी कि आप पार्लियामेंट या फिर स्टेट के द्वारा कोई भी ऐसा अगर कानून आता है जो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की जो सुप्रीमेसी उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है तो उस समय हमारी जुडिशियल पिक्चर में आएगी एंड देन वो अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर से कहीं ना कहीं उस सुप्रीमेसी को अपहोल्ड करने की कोशिश करेंगी. सेकेंड, टू मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम. फेडरल इक्विलिब्रियम बनाना बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. और क्योंकि फेडरल इक्विलिब्रियम बनाना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों के पास अपनी जो भी पावर है विद रिस्पेक्ट टू देयर सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट एंड द सेंट लिस्ट उसकी उस पर्टिकुलर मैटर्स के अकॉर्डिंग वो अपना लॉज बनाए, कोई किसी की मैटर्स में इंटरफेयर ना करें. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब यूनियन जो है स्टेट लिस्ट में जो जो मैटर्स लिखे हुए जो जो सब्जेक्ट्स उन पर भी लॉ बना रहे हैं. अगर कुछ ऐसे स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो लॉ बना सकती है, उसके अलावा अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में भी हम कह सकते हैं उस इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए जुडिशियल रिव्यू बेसिकली किया जा सकता है. थर्ड है, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स. तो फंडामेंटल राइट जैसे कि हम जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सिटीजन का अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. और उस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को अगर वॉयलेट किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा कि वो पर्टिकुलर अथॉरिटी चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो कोई एक ऐसा लॉ लेके और जिससे किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर लॉ का फिर जुडिशियल रिव्यू होगा. और जुडिशियल रिव्यू के तहत अगर वो लॉ सच में किसी के फंडामेंटल राइट को अगर वॉयलेट कर रहा होगा तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन मान के नल एंड वॉइड करके उसको ख़त्म कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर लॉ को या एक्ट को. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि नंबर ऑफ केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पॉइंटेड आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की क्या पावर है हमारी कंट्री के अंदर. उन्होंने उन पर्टिकुलर केसेस के थ्रू समझाने की कोशिश की है. सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड बाय इन दिस रिगार्ड जो हम देखते हैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट आप देख सकते हैं जो जजमेंट आई हैं जो कहीं ना कहीं केसेस आए हैं उसके थ्रू किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो पावर जुडिशियल रिव्यू को उसमें बताने की कोशिश की गई है. पहले हम बात करते हैं जस्टिस चीफ जस्टिस कन्हैया इन AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस जो आया था 1950 में. उसमें बेसिकली कहा गया था कि इन इंडिया इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ सुप्रीम. ऑब्वियसली ठीक है, तो हमारे भारत में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है
and that a statute law to be valid must be conformity with the constitution requirement and it is for the judiciary to decide whether any enactment is constitutional or not. मतलब मेन चीज़ वही है, एम आपको पता चल गया कि कोई भी पर्टिकुलर लॉ जो बनाया जा रहा है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक किया जा रहा है. तो अगेन वही चीज़ बोल रहे हैं कि हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो जो भी पर्टिकुलर लॉ बनाया जा रहा है उसको चेक करना कितना कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है कितना नहीं, वो हमारी जुडिशरी का काम है. नेक्स्ट बोला गया चीफ जस्टिस पतंजलि शास्त्री वर्स इन स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वीजी राव 1952 की बात है. इन्होंने बोला है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन एज टू कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. दिस इज स्पेशली ट्रू एज रिगार्ड द फंडामेंटल राइट टू विच द कोर्ट हैज बीन असाइंड द रोल ऑफ सेंटीमेंटल और टू क्यू वी. ठीक है, तो अगेन वही चीज़ बोला गया किस तरीके से हमारे जो सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करना और साथ ही साथ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है उसको भी ध्यान में रखना, ये सब कैसे किया जाएगा जुडिशियल रिव्यू के तहत. ठीक है, नेक्स्ट है जस्टिस खन्ना इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973. बोला गया कि एज लॉन्ग एज सम फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड आर अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, द पावर जुडिशियल रिव्यू हैज ऑल्सो बीन एक्सरसाइज की जाएगी विद अ व्यू टू सी दैट द गारंटीज अफोर्डेड बाई दीज राइट्स आर नॉट कॉन्ट्रवीन. ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो हर बार ये चीज़ चेक किया जाएगा कि वो कोई भी पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर राइट्स को छीने नहीं किसी भी पर्सन का या फिर कोई अथॉरिटी उसको डिमीन ना करें. नेक्स्ट है जस्टिस भगवती इन राजस्थान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1977 की बात करें तो उन्होंने कहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लेक्स द परमानेंट लॉ ऑफ द लैंड है एंड देर इज नो बेंच ऑफ द गवर्नमेंट अबव इट. और कोई भी बेंच मतलब अगर मान लो कोई भी सरकार आ जाए वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी बिल्कुल नहीं हो सकती है. ठीक है, एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बीट एग्जीक्यूटिव हो और द लेजिस्लेटिव हो ऑफ द जुडिशरी हो डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑब्वियसली बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारा सुप्रीम है तो उसके नीचे ही जो भी आपके जो ऑर्गन्स है लाइक वो एग्जीक्यूटिव हो लेजिस्लेटिव हो जुडिशरी हो, तो वो अपनी पावर कहीं ना कहीं इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करते हैं, तो आप इनसे ऊपर नहीं हो सकते. ठीक है, तो यानी हमारा सुप्रीम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही हमारा सुप्रीम है. एंड बोला क्या है एंड इट हैज़ टू एक्ट विद इन द लिमिट ऑफ द अथॉरिटी के अंदर काम करना है. नो वन हाउएवर हाईली प्लेस्ड एंड नो अथॉरिटी हाउएवर लॉफली कैन क्लेम दैट इट शैल बी सोल जज है ऑफ द एक्सटेंट ऑफ इट्स पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और वेदर इट सेक्शन इज विद इन कन्फाइंस ऑफ सच पावर इट डाउन बाई द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो भी जिसकी जो जो पावर्स लिखी हुई हैं उन्हीं पावर के अंदर आपको लिमिट में रह के अपनी अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करना है, सही तरीके से काम करना है. अगर गलत तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करने की कोशिश करोगे चाहे वो आपका लेजिस्लेटिव के द्वारा हो एग्जीक्यूटिव के द्वारा हो, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी फिर उस पर रिव्यू बेसिकली करके उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कार्यवाही करेगी. ठीक है, देन बोला गया है कि दिस कोर्ट इज़ अल्टीमेट इंटरप्रेटर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. टू दिस कोर्ट इज़ असाइंड अ डेलीगेट टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग वट इज़ द पावर conferred on each bench of the government, whether it is limited hai and if so what are the limits kya hai, whether any action of the branch bench transfer such limits. theek hai, to main cheez wahi hai kyunki hamare constitution ko interpret karne ki power hamare judiciary ki hai, to hamari jo different jo bhi organs hain government ke to unki power kitni hai, kahan pe limit hoti hai, kis kis daire ke andar aati hai, kahan pe usko transfer karna hai, kya karna hai, to wo sari cheeze already constitution mein likhi hui hai. अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आता तो जुडिशरी के थ्रू वो चीज़ कन्वे कर सकता है. ठीक है, तो वही चीज़ बताने की कोशिश की गई है. नेक्स्ट है आपका चीफ जस्टिस चंद्रचूड इन मिनर्वा मिल्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 1918. इन्होंने कहा है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द जज मे देयर ड्यूटी टू प्रोनाउंस अपॉन द वैलिडिटी ऑफ द लॉ, कि वो कितना लॉ जो है वैलिड है या नहीं है वो उनकी ड्यूटी है बताना. If court are totally deprived of that power, fundamental right conferred on the people will become a mere adornment हो जाएंगे because right without remedies are writ in water, controlled constitution will then become uncontrolled हो जाएगा. ठीक है, because कहीं ना कहीं judiciary के पास ये power दी गई है, इसके तहत हम मान सकते हैं कि जो लोगों का fundamental right है वो कहीं ना कहीं बचा हुआ है, remedies जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को मिल सकती है. तो इसलिए जो कंट्रोल कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनकंट्रोल ना हो, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर बनी रहनी चाहिए. नेक्स्ट है चीफ जस्टिस अहमदी इन एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997. उन्होंने कहा है कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में हैव बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू दिस एंड दे हैव बीन कन्फर्म द पावर टू इंटरप्रेट इट. इट इज़ दे यू हैव
who have to ensure that balance of power envisaged by the Constitution is maintained and that the legislature and the executive do not. In the discharge of this function, transgress constitutional limitations. तो मतलब मेन चीज़ अगर देखा जाए तो यही बोला जाए कि किस तरीके से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके पास पावर है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखा हुआ है वो खुद उसको इंटरप्रेट करें और कहीं ना कहीं जो किस तरीके से बैलेंस स्टैब्लिश करना है बिटवीन दी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव वो कहीं ना कहीं उनको बताएं कि आपका भाई इस तरह से आपका जो काम है लॉ बनाने का आप लॉ पे लॉ बनाइए एग्जीक्यूटिव का नाम काम उसका इम्प्लीमेंटेशन का तो आप उसके दायरे में रह के काम कीजिए. नेक्स्ट है जस्टिस रामास्वामी इन एसएस बोला वर्सेस बीडी शर्मा 1997. तो इसमें बताया गया है द फाउंडिंग फादर्स वेरी वाइसली देयरफॉर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इनकॉर्पोरेट करके गए थे सो एज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ फेडरलिज्म. क्योंकि देखो 1803 तक आई थिंक मान के चलो जुडिशियल रिव्यू आ गया था उस समय की बात है और हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में. तो उस समय जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें पहले से उन्होंने जुडिशियल रिव्यू को ऐड कर दिया था बिकॉज ऑलरेडी वो अमेरिका में इस टाइम पे इससे पहले ही आ चुका था. ठीक है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं वो काफ़ी वाइज थे तभी उन्होंने ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली जुडिशियल रिव्यू को सो एज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ फेडरलिज्म का बैलेंस बना रहे टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके एंड द फंडामेंटल फ्रीडम्स गारंटी जो की जाती है सिटीजन्स को एंड टू अफोर्ड अ यूजुअल वेपन फॉर अवेलेबिलिटी availment and the enjoyment of equality when you're liberty fundamental freedom and to help to create a healthy nationalism ko kahin na kahin banaye rakhna important tha. The function of judicial review is a part of the constitution interpretation itself. It adjusts the constitution to meet new condition and needs of the time. yani dekho hamare us samay constitution makers ne itna matlab keh sakte hain jise pehle hi samajh gaye the कि फेडरलिज्म जो हमारा है उसको बेसिकली बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट को बचाए रखना इम्पॉर्टेंट है लिबर्टी का भी ध्यान रखना है इक्वालिटी को भी ध्यान में रख के काम करना है नेशनलिज्म एक हेल्दी नेशनलिज्म की तरह ग्रो हो वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो इन सब चीज़ों का ध्यान अगर रखना है तो कौन करेगा जुडिशरी करेगी तो उस चीज़ के लिए पावर उनके पास होनी चाहिए. उन्होंने इसलिए उन्होंने कह सकते जुडिशियल रिव्यू के पावर्स में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके उन्होंने दे रखी थी उस टाइम से. ठीक है तो यहाँ पे हमने ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंस है जुडिशियल रिव्यू के जो डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट या केसेस के थ्रू हर एक जस्टिस या फिर कह सकते जज के थ्रू ये दी गया है इनके थ्रू आपको ये पता चल गया होगा क्लियरली कि कितना इम्पोर्टेंट है आपका जुडिशियल रिव्यू. ठीक है इसके बाद का जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर जुडिशियल रिव्यू वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में बिकॉज अभी हमें सुप्रीम कोर्ट के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की. बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ अ पावर टू डिसाइड. ठीक है कि क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं वो डिसीजन की पावर कहाँ पे है वो हम देखते हैं. पहला अ रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट. तो ये कहीं ना कहीं एडवाइजरी पावर के अंदर आता है अंडर आर्टिकल 143 जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है अगर उनको लगता है कि कोई लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है उनको फैक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उस केस में वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं. जो भी एडवाइस दी जाएगी वो बाइंडिंग नहीं होगी. ठीक है तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब डिसीजन नहीं आ रहा है यहाँ पर सिर्फ एडवाइस दी जा रही है. ठीक है नेक्स्ट है केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऑब्वियसली अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात है तो यहाँ पर वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की पावर आती है. नेक्स्ट है केस इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस है. जैसे कि हमने कहा था किस तरीके से हाई कोर्ट जो है अगर ऐसे पर्टिकुलर कोई केस होता है तो वो सर्टिफाइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को एंड देन सुप्रीम कोर्ट अपील के फॉर्म पे इस पर्टिकुलर केस को सुन सकती है. देन अ केस वेयर द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ हैज बीन चैलेंज्ड की जा रही है तो वो भी चीज़ सुन सकती है. ठीक है तो इन फर्स्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो आपका ए बी सी एलिमिनेट हो जाएगा देन आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन. ठीक है देन यहाँ पे बोला गया कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन सिट ओनली इन दिल्ली. तो यहाँ पे हमें पता है कि द वर्ड ओनली है जो स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दे रहा है बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं करेंटली सीटिंग जो है सीट जो है सुप्रीम कोर्ट की वो दिल्ली में देखने को मिलेगी बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा बाकी किसी प्लेसेस में चाहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकते हैं. ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि करेक्ट आपको फाइंड आउट करना है. सेकेंड बोला है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन सिट इन प्लेस अदर देन दिल्ली जैसे कि हमने बात की थी विच द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे अपॉइंट विथ अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. यानी प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें तो दिल्ली के अलावा किसी और प्लेसेस के अंडर भी सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिकली है ऑफिस जो है
या फिर सुप्रीम कोर्ट जो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड बोला गया पार्लियामेंट मे मेक प्रोविजन फॉर कन्फर्मिंग सप्लीमेंट्री पावर्स अपॉन द सुप्रीम कोर्ट. यस, पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को इनलार्ज कर सकती है. ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड. तो थर्ड क्वेश्चन में बोला कि एसर्शन सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. यस, जैसे कि हमने कहा था कि जो भी जजमेंट्स वगैरह होते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो उसकी वैलिडिटी आपको देखने को मिलेगी. नीचे की कोई भी कोर्ट हो, हर जगह उसकी वैलिडिटी देखने को मिलती है. रीज़न बोला गया है कि वंस अ कोर्ट इज अ मेड अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इस पावर टू पनिश इज कंटेम्प्ट नेसेसरी फॉलोज फ्रॉम दैट पोजिशन. ठीक है, मतलब अगर मान लो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो पावर है कंटेम्प्ट करने की, जैसा कि हमने देखा था इन सिविल मैटर्स एंड द क्रिमिनल मैटर्स, तो वो कौन कौन से केसेस थे, मतलब किन किन चीज़ों के अंदर हम कह सकते हैं सिविल केसेस के अंदर कंटेम्प्ट होगा, क्रिमिनल केसेस के लिए कंटेम्प्ट होगा, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, बट ये इसका रीज़न नहीं होगा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट है कि बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. ठीक है, फोर्थ बात करते हैं क्वेश्चन की, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियम कंसिस्टिंग ऑफ जजेस ऑफ इंडिया एंड द फोर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेजिडेंट बिकॉज. क्यों, पहला बोला गया इट इज़ प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोवाइडेड है, या फिर इट हैज़ बीन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चली आ रही फॉर अ लॉन्ग टाइम. सेकेंड सी ऑप्शन है कि इट हैज़ बीन लेड डाउन बाई पार्लियामेंट. डी, इट हैज़ बीन लेड डाउन बाई द सुप्रीम कोर्ट. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली आप देख सकते हो आपका जो थर्ड जज केस आया था उसके थ्रू ये चीज़ बता दिया था कि कॉलेजियम सिस्टम फॉलो किया जाएगा, जिसमें आपके CJI होंगे प्लस 4 सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे, जिसमें से अगर मान लेते हैं चारों का जो भी एडवाइस है वो कहीं ना कहीं उसके थ्रू मेजॉरिटी के थ्रू आना चाहिए, देन प्रेजिडेंट पे बाइंडिंग होगा इस पर्टिकुलर जज को अपॉइंट करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आर्टिकल नंबर 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द लॉज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड बाय इट्स अर्लियर डिसीजन एज अ एक्सप्रेशन ऑफ ऑल कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, या फिर इट इज नॉट बाउंड बाय द ओन डिसीजंस एंड मे रिवर्स अ प्रीवियस डिसीजन. थर्ड बोला गया कैन रिवर्स अ प्रीवियस डिसीजन ओनली व्हेन अ न्यू लेजिस्लेशन इज इनएक्टेड हैविंग द इफेक्ट ऑफ एब्रोगेटिंग डिसीजन. फोर्थ है कैन रिवर्स अ प्रीवियस डिसीजन ओनली व्हेन द प्रीवियस डिसीजन हैज़ बीन गिवन अ रिजल्ट ऑफ ओवरलुकिंग अनदर प्रीवियस डिसीजन. तो इसका आंसर सिंपली आपका बी है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंड बाय इट्स ओन डिसीजन, इट मे रिवर्स अ प्रीवियस डिसीजन, को चाहे तो रिवर्स कर सकती है. ठीक है, कब रिवर्स कर सकती है, किस तरीके से कर सकती है, वो हमने रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन में बेसिकली कवर कर लिया था आपका टॉपिक. अगर कोई डाउट हो तो आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का, जुडिशियल रिव्यू इज अ प्रोसेस टू रिस्ट्रेन द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेटिव फ्रॉम द एक्सरसाइजिंग पावर विच मे नॉट बी सैंक्शन बाई द कॉन्स्टिट्यूशन. रीजन दिया गया है कि द सोर्स ऑफ पावर जुडिशियल रिव्यू इज आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि बोथ दी स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है, पर आर जो आपका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है काम. ठीक है, तो ये सिंपली था क्वेश्चन. सेवेंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ डिस्प्यूट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो जैसे कि हम जानते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, ये इसके अंदर आता है. बिटवीन टू और मोर स्टेट भी इसके अंदर आता है. बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ टू और मोर स्टेट, तो रेजिडेंट मतलब वही प्राइवेट सिटीजन की बात हो जाती है. अगर मान लो से कोई प्रॉब्लम है सेंटर से या स्टेट के किसी लॉ से, तो वो एक सूट वगैरह, मतलब जैसे कि हमने बात की सूट डाल सकता है, तो इस तरह का चीज़ें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आती है. नेक्स्ट है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट ऑन द अदर साइड, तो ये भी कह सकते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट है. तो जो नहीं है पार्ट, वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन. एट्थ क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो एसेंशियल कंडीशन कौन सी नहीं है वो आपको बेसिकली बतानी है. पहला सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, येस. नेक्स्ट है एटलीस्ट 5 ईयर होना चाहिए एक्सपीरियंस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट of two or more such court in succession, तो ये भी करेक्ट है. थर्ड है मस्ट हैव बिन कम्प्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज. तो इस तरह की कोई कह सकते हैं जो मिनिमम एज वगैरह कुछ तो देनी रखी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये गलत हो जाएगा. नेक्स्ट है एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेटेड हाई कोर्ट ऑफ टू और मोर कोर्ट, तो ये भी सही है. तो यानी आपका जो एट्थ का जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है नॉट एसेंशियल, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ही इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट. तो उन्हें किससे कंसल्ट करना है. पहला
द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है बेसिकली वो पिक्चर में नहीं होती, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा. प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये भी गलत है. सच ऑफ द मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर, नहीं. जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज डीम नेसेसरी, अगर लगता है तो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं. यस, तो ऑप्शन नंबर 9th केस में जो है डी आपका करेक्ट आंसर है. 10th की अगर हम बात करते हैं तो आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, याद रखना आपको गलत स्टेटमेंट बेसिकली फाइंड आउट करनी है. पहला बोला गया रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम अपेयरिंग एंड प्लीडिंग इन एनी कोर्ट विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सही है. सेकेंड बोला गया है सुप्रीम कोर्ट में इशू रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ध्यान में होगा हमने बात की थी कि जो रिट की जो पावर होती है, रिट ज्यूरिडिक्शन जो होती है हाई कोर्ट की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट. क्यों? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट के केस में रिट इशू कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और उसके अलावा कोई भी अदर पर्पसेस होता है, ठीक है, तो उसके लिए रिट इशू कर सकती है. तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत हो जाएगा. सी है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट. यस, अपने सुप्रीम कोर्ट में किसी ने किया उससे तो कर ही सकती है, इसके अलावा हाई कोर्ट में, सबॉर्डिनेट कोर्ट में, किसी भी ट्रिब्यूनल में किसी पर्सन ने कंटेम्प्ट किया तो उनके लिए भी कंटेम्प्ट की पावर को, मतलब उनको पनिश भी कर सकती है. तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है. डी है सैलरी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ द लेजिस्लेचर, तो ये भी सही है. क्यों? बिकॉज जो सैलरी दी जाती है वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, चार्ज एक्सपेंडिचर के तहत दी जाती है, जिसका जिस पर सिर्फ डिस्कशन हो सकता है पार्लियामेंट में यानी लेजिस्लेचर के अंदर, वोटिंग नहीं हो सकती है, ठीक है. तो अगर इसमें गलत स्टेटमेंट अगर निकालनी है तो 10th में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी. तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि मैच करना है आपको ज्यूरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का विद द टाइप ऑफ द केसेस, ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं अपीलेट ज्यूरिडिक्शन की. तो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन आपको देखने को मिलता है सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन केसेस में, तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा. तो पहले ही जब आप ए ऑप्शन देखते हो उसका थर्ड, ठीक है, तो थर्ड अगर आपको पता चल गया यानी कहीं ना कहीं आपको पता है आपको चूज़ करना है ए और सी में से, यानी बी और डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है. देन एडवाइजेज ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, एडवाइजेज ज्यूरिडिक्शन आपका आएगा एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन अगर रेफर किया गया है, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, टू, ठीक है. तो बी आंसर टू हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है. तो ऑप्शन सी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ए आपका करेक्ट है. बाकी भी हम चेक कर लेते हैं. मिसलिनियस पावर आपकी क्या हो जाएगी, एक्ट ऑफ एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड ऑल्सो पावर ऑफ रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और इंजुशन एक्ट एज ए फेडरल कोर्ट, ठीक है. तो 11th क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ए. नेक्स्ट है 12th, जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. ये क्या होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कल की वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था. फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो अभी ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जुडिशियल रिव्यू का, तो इसके अंडर फिर से ये आने वाला है टॉपिक प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड दी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है. तो आज की मतलब जो कल की वीडियो होगी उसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ फिर से अच्छे से. अगर आपको कोई डाउट होगा तो इस वीडियो में आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है. तो ये 12th का हो गया. नेक्स्ट है आपका 13th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो इसमें बोला गया कि इट सेट असाइड एनी एग्जीक्यूटिव डिसीजन इफ इट इज अगेंस्ट स्टेचुटरी लॉ, या फिर सेट असाइड एनी प्रोविजन ऑफ लॉ इफ इट इज कंट्ररी टू द फंडामेंटल राइट, या फिर एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एज वेल एज सिटी प्रोविजन, स्ट्राइक डाउन इट्स इफ इट इज नॉट फॉर अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन. तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर वो चीज़ें सही नहीं है तब उसको नल एंड वॉइड किया जाता है. एंड रिव्यू इट्स ओन डिसीजन ऑफ एनी कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो बेसिकली जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है मेन उसका अगर कहें कि करेक्टली क्या उसका सिग्निफाई करता है वो यही चीज़ है, एग्जामिन करना कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को. क्वेश्चन नंबर 14th की अगर हम बात करें तो बोला गया है कि व्हाट एज इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ पर्सन टू क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो ये चीज़ मैंने बार बार डिस्कस करी थी कि कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है. तो आपका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, 14th का डी, ठीक है. क्वेश्चन की अगर हम बात करें ईजी थी, ठीक है, बस इसी तरीके से आपको छोटी छोटी जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, देन आप इजी से इजी क्वेश्चन, क्योंकि देखो पॉलिटी के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, बहुत कम चांसेस है कि एक दो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलेंगे, पर जो इजी क्वेश्चन है वो आपके हाथ से मिस नहीं होने चाहिए, वो गलत नहीं होने चाहिए. तो उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो, जो भी रिवाइज कर रहे हो, तो शॉर्ट में उसका ए4 साइज
सी मतलब शीट के अंदर उन छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल में लिख दो. लाइक एक लाइन में आप लिख दो कि टेन्योर कितना था, सैलरी कौन बेसिकली किस तरीके से कौन डिटरमाइन करता है, कौन अपॉइंटमेंट करता है. अगर छोटे से पेज के अंदर आप सारी डिटेल्स लिख दोगे तो आपको रिवाइज़ करने में इजीली होगा, और क्योंकि वो फैक्ट्स आपको रिवाइज रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपको जब भी आप कोई पर्टिकुलर एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कशन फिनिश होता है. तो नेक्स्ट जो जुडिशियल रिव्यू की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू वाला चैप्टर जो है आपका फिनिश हो जाएगा. तो आई होप आपको आज का डिस्कशन फ्रूटफुल लगा हो. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें इन वीडियोज़ को, सो दैट उनको भी अगर पॉलिटी पढ़ने में कोई भी डाउट है या फिर कन्फ्यूजन होता है, डिफ़िकल्टी फील होती है, तो उनको भी बेसिकली इजली समझ में आ पाए. ओके, ओके देन, बाय. मिलते हैं कल के टॉपिक में.